गाइस हम फिर रमजान भी करीब पहुंचने वाले हैं। मंडे को रमजान होगा और फिर रमजान के अंदर हमारे पेपर हो जाएंगे और फिर बुध को हमारे पेपर है इस बुध को, और फिर जब हमारे पेपर होंगे हम लोग इसलिए आज रमजान का सौदा लेने जा रहे हैं चेजब से। तो गाइस हम लोग तैयार हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं बाहर ग्रोसरी की शॉपिंग कर रहे हैं और कुछ विजिट भी करेंगे, बच्चों को थोड़ा सा घुमाएंगे अगर टाइम हुआ तो। लाइट वगैरह मैंने ऑफ कर दी है तो अभी मैं नीचे चलती हूँ क्योंकि बच्चे जो है वो चलेंगे। आज मैंने वैसे बहुत ज़्यादा काम किए तो कल आप लोग से वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं चलती हूँ, लाइट वगैरह जो है ऑफ कर देती हूँ, किचन की भी। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं घर से और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। कौन सी मार्केट जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं ये भी मैं आप लोग को बताती हूँ। अभी जो है यहाँ पे पेट्रोल डलवा रहे थे बाइक पे और फिर बच्चों को हमने नीचे उतारा था, तवीर फातिमा जो है वो भी देखे खड़ी है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं ली मार्केट। ली मार्केट से खजूरें लें जो कि बहुत अच्छी मिलती हैं और उनके रेट भी बहुत मुनासिब होते हैं। वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं लेकिन हम लोग फ़िलहाल लेने जा रहे थे खजूरें। और रमज़ान में बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है, फिर समझ ही नहीं आ रही थी बच्चों को लेकर बंदा कैसे वहाँ पे बाज़ारों में जाए। तो ये देखिए गाइस अभी जो है यहाँ पे गुजरने की जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा तंग जगह है यहाँ पे। तो हम लोग पहुँच आए हैं, मैंने इनको बोला कि आप लोग पीछे खड़े रहो मैं जाके पता करती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी खजूरें हैं और मुझे ख़ासतौर पर इस तरह की खजूर अच्छी लगती है जो खुश्क होती है और मैं यही इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर। तो अभी जो है यहाँ पर मैं रेट वगैरह पूछ रही थी, यहाँ पर ना बाहर की नस्बत से आपको हाफ़ प्राइस में कम मिलेंगी, जैसे कि आप लोगों को 500-700 जो मिल रही है वो यहाँ पे 350-400 में आपको केजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे वो भाई जो है वो चेक करवा रहे थे कौन सी जो है अच्छी है कौन सी नहीं है। मैंने कहा चलो भाई मैं पहले चेक करती हूँ, अच्छी होगी तो फिर ही लेंगे। और इनको खजूर को अक्सर ही हम लोग खोल के देखते हैं, तोड़ के, और इसकी गिठाने देखते हैं कि मतलब अंदर से कोई ख़राब तो नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी किस्में पड़ी थी खजूर की और यही बता रही हूँ कि अगर आप लोग यहाँ से आके लेंगे बहुत मुनासिब पड़ती हैं और बहुत ही प्राइस भी जो है बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे बहुत सारी किस्में होती हैं, आप लोगों को जो भी चाहिए होती है वो ले सकते हो। अक्सर हम लोग पहले भी यहाँ पे आते थे रमज़ान वगैरह का राशन जो भी ग्रोसरी की शॉपिंग यहाँ से करते थे, लेकिन अभी जो है मैंने कहा भी हम लोग यहाँ से कुछ भी नहीं लेते क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। और सभी वजी के बाबा को मैंने बोला बस यहाँ से चलते हैं और कोई चीज़ भी नहीं लेते। अब हम लोग जाएंगे बाहर डॉलमन मॉल या चेजब, तो वहाँ पे जाके वो भी आप लोग से शेयर करूँगी। ये देखें गाइस यहाँ पे कितना रश है, ये ली मार्केट है, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। अच्छा जो यहाँ पे मैं आई और खारादार में मैंने कहा यहाँ पे स्ट्रॉलर रहती हूँ, वहाँ से हम लोग निकले और सीधे हम लोग खारादार पहुँचे। तो यहाँ पे मैंने कहा अपने लिए एक स्ट्रॉलर ले लेती हूँ क्योंकि मेरे जो दुपट्टे होते हैं वो मेरे बच्चों ने इतना ख़राब कर दिए होते हैं कि वो जब दूध वगैरह पी रहे होते हैं तो वो मेरा दुपट्टा ही लेके सोते हैं, तो फिर वो दुपट्टे ना करने के काबिल ही नहीं होते, ख़राब कर देते हैं, नीचे फेंकते रहते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं बाहर जब जाती हूँ ना मुझे कोई दुपट्टा अच्छा नहीं मिल रहा होता, यहाँ पे मैं देख रही थी प्राइस, पूछ रही थी प्राइस वाले भी थे और जो मुझे अच्छे लग रहे थे उनकी बहुत ज़्यादा प्राइस थी। और यहाँ पे ये देखिए ये 300-400 वाले जो थे वो भी अच्छे थे लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो कहीं और से जाके देखती हूँ। और ये देखे भाई जो मुझे दिखा रहे थे ये भी अच्छे थे लेकिन इस टाइप के मैंने नहीं लेने थे। तो यहाँ पे जो है रश भी अभी कम था और मैंने कहा चलो मैं इनके बाबा को बोल रही थी कि आप लोग बाहर ही खड़े रहो मैं जाके पता करके आती हूँ। यहाँ पे बच्चों की मुझे शर्ट वगैरह जो दिख रही थी ये भी बहुत अच्छी थी और इनकी प्राइस भी नॉर्मल थी। ये देखिए गाइस यहाँ पे ऑलरेडी कोई देख रहा था शर्ट्स वगैरह, मैंने कहा चलो मैं भी पूछती हूँ। तो फिर जब पूछा तो फिर उन्होंने बोला कि 800-900 की एक शर्ट। तो मैंने कहा चलो भी बच्चों को फिर किसी दिन लेके आऊँगी उनको दिखाऊँगी। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्रिंटेड वाली शर्ट थी और फिर मैंने कहा चलो भाई यहाँ से लेनी तो नहीं है चलते हैं। अभी ये देखिए इस टाइप के सूट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत अच्छी है, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और इनकी स्टिच देखो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। मुझे सभी के लिए ये पसंद आया लेकिन सभी को थोड़ा सा बड़ा था और बाकी जो थे वो मुझे कुछ ख़ास नहीं अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये वाला जो सूट था मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे चलते हैं। अभी जो है बाहर ये खड़े हैं, ये जो है खारादार की मार्केट है, बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, मेरे पीछे ही आने वाले थे, बस मैंने कहा शुक्र है मैं पहुँच गई वरना ये और तंग करते। तो अब ये दोनों जो हैं वो मेरी गोद में बैठे हैं, देखो ये तंग कर रहे हैं सभी वजी और ताबीर। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और ये है खारादार का जो है मेन टावर,
टावर वाली साइड पे हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग अब जा रहे हैं मार्केट, वहाँ पे जाके आप लोगों को ग्रॉसरी की शॉपिंग जो होगी वो भी शेयर करूँगी। और बहुत ज़्यादा महंगाई है गाइस, बहुत ज़्यादा महंगाई है, क्योंकि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है, इतने मतलब पैसे खर्च हो जाते हैं समझ ही नहीं आती। हम लोग जो ले कर आते हैं उससे डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे बाहर, अभी जो है मैंने कहा यहाँ पर इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि अब मैंने जहाँ से भी शॉपिंग की ग्रॉसरी की तो फिर वो भी आप लोग से शेयर करूँगी, क्योंकि अभी जो है व्लॉग जो होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। ये देखिए गाइस, ये यूएसए कराची का जो रोड है इसको यूएसए ही कहा जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही नीट एंड क्लीन और इतना साफ साफ है, और यहाँ पर अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर आओ। और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल रश भी नहीं था, और हम लोग थोड़ा टाइम से जा रहे थे इसलिए, वरना सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है रोड्स की। और ये देखिए कराची की जो मेन सिटी, यहाँ पे एक मैंने व्लॉग प्रॉपर्टी वाला भी शेयर किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।